नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। जेपी नड्डा ने मंगलवार को देवरिया में कहा कि हम सत्ता में बैठने के लिए नहीं बल्कि देश की तकदीर और तस्वीर बदलने आए हैं। नड्डा ने कहा कि हमने न केवल सिंचाई के साधन, बिजली, पानी, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बल्कि मोदी जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। अखिलेश सरकार में प्रदेश में 200 दंगे हुए मगर पिछले 5 सालों में न केवल मुजफ्फरनगर और कैराना से पलायन रुका बल्कि प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सोच साफ है, हमारा नेता ईमानदार और दमदार है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन था, क्या संदेश दिए और क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बने, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ने आग्रह किया है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के, दोनों लोगों के, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाएं, महिला कल्याण की योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सम्मान निधि, कोरोना में मुफ्त टीकाकरण, गरीबों को खाने के लिए मुफ्त अनाज, ये सब जो योजना उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने चलाया है, आज गरीबों का सपना साकार हुआ है। बांदा में कल होने वाले चौथे चरण के लिए मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा कर्मी रवाना कर दिए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के साथ साथ शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। 23 फरवरी को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए मंडी समिति से पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। जिले में 500 मॉडल बूथ बनाए गए हैं और सखी बूथ भी बनाए गए हैं, वहीं 20 दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं। जनपद में कुल 13,07,810 मतदाता हैं, जिनमें से 7,16,122 पुरुष मतदाता हैं, 5,91,139 महिला मतदाता हैं। जनपद में 12,143 दिव्यांग मतदाता हैं। हमारे 1507 चारों विधानसभा में 1507 बूथ हैं और इस पर 6,056 कर्मचारी रिजर्व को मिलाकर लगाए गए हैं और इन सारे कर्मचारी को अलग अलग विधानसभा और सामान लेने के लिए काउंटर लगाए गए हैं और अपने काउंटरों से सारे कर्मचारी हमारे सामान ले रहे हैं और कोशिश है हम लोगों की भी थोड़ी देर बाद इनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा जब अपनी बसों में बैठ जाएंगे। और सर कितने यहाँ पर मतदाता हैं? बांदा जनपद में 13,07,810 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष हैं 7,16,122 और महिला मतदाता 5,91,639 और थर्ड जेंडर है 49। चौथे चरण का चुनाव कल होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। पर जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार, एआरटीओ मनोज सिंह और आरपी सरोज सहित अन्य अधिकारी पोलिंग पार्टियों को व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं। रायबरेली जनपद में 6 विधानसभा में 5 विधानसभा पर कल चुनाव होना है, जबकि सलोन विधानसभा पर चुनाव 5वें चरण में होगा। बता दें कि 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2001 बूथ बनाए गए हैं। हमारे पास में आज 5 विधानसभाओं के 2001 बूथ हैं, उनके हिसाब से प्रत्येक बूथ पर 4 कर्मचारी हमारे जो पोलिंग पार्टी के रूप में रहेंगे वो है, उनको हम लोग 8 बजे बुलाए हैं। सभी पोलिंग पार्टियां कंप्लीट हो रही है, क्योंकि रैंडमाइजेशन के बाद ड्यूटी आज ही सर्व होती है, तो उसमें अभी ड्यूटीज भी सर्व हो रही हैं। साथ ही साथ पोलिंग पार्टियों का फॉर्मेशन होने के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ये पोलिंग पार्टियां 11 बजे से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और अधिकतम मुझे लगता है कि 2 बजे तक हम लोग यहाँ से सारी पोलिंग पार्टीज को रवाना कर देंगे और जो लास्ट बूथ भी हमारा होगा वहाँ पर 5 बजे तक हमारी पोलिंग पार्टी 100% पहुंचेगी। खबर में हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं। ओम, कल चुनाव होना है, क्या कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? जी हाँ, पोलिंग पार्टियां पूरी तरह से जो है इस मामले में जिला प्रशासन बहुत सतर्कता बरतता है, क्योंकि 11 बजे से ही पोलिंग पार्टियां निकलना शुरू है। जिला प्रशासन की मंशा है कि शाम को कम से कम 5-5:30 के बीच में सभी पोलिंग पार्टियां जो है वो अपने बूथ तक पहुंच जाए, क्योंकि एक जो है बूथ पर 4 कर्मचारी लगाए गए हैं, तो इस जिला प्रशासन जो है सतर्कता बरतता है और लमसम इस बहुत बड़े अच्छे ढंग से जो है जिला प्रशासन ने इसको मैनेज किया है सभी को पोलिंग बूथों तक पहुंचाने के लिए। जी, ईवीएम रिजर्व में रखी गई है और अगर खराब होती तो क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? हाँ, ईवीएम का रिजर्व कोटा भी है, ईवीएम खराब होगी कोई दिक्कत नहीं, हालांकि उन्होंने कहा है
कि ऐसी कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर शिकायत आती भी है किसी बूथ पर तो तुरंत जो है उस समस्या को दूर कराया जाएगा और ताकि सुचारू रूप से मतदान चलाया जा सके, उसको बाधित न हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता ओमशंकर शुक्ला जुड़ते हैं रायबरेली से। आगामी 1 मार्च को शिवरात्रि का पर्व है, वहीं शिवरात्रि पर्व को लेकर जिला प्रशासन हर बार कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम करता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं जिसके कारण कांवड़ियों को खासी परेशानियां होती हैं। वहीं इस बार कांवड़ियों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा देने के लिए गंगा सेवा समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में संस्था के पदाधिकारियों ने बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं मुहैया कराई जाने की मांग की है। गंगा के तट पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर पुलिस बल की व्यवस्था कराई गई है। ये गंगा सेवा समिति जो है, इन्होंने जो है महाशिवरात्रि जो पर्व है उस पर व्यवस्थाओं को लेकर के विज्ञापन दिया गया है। भाई गंगा सेवा समिति चाहती है कि सुरक्षा हेतु पुलिस की व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, और जब कांवड़िया जो है कांवड़ लेकर के चलते हैं तो रास्ते में जो है गड्ढे वगैरह जो होते हैं वो भर दिए जाएं। तो मतलब ये कांवड़ की जो यात्रा है महाशिवरात्रि पर, और गंगा के किनारे जो भक्त लोग जाते हैं, गंगा जल लेकर के आते हैं, शंकर जी पर चलाते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए जो है ये ज्ञापन दिया गया। किसके नाम ज्ञापन? ये ज्ञापन तो मुख्यमंत्री के नाम है। बांदा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। बता दें कि कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता धर्मवीर हर्षा की हत्या के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर हर्षा के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। जल्द गिरफ्तारी न होने पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये ज्ञापन कर्नाटक में हमारे एक हर्षा नाम के कार्यकर्ता है, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि उसको कई बार क्या कहते हैं धमकियां मिली, उसके बाद भी कर्नाटक सरकार में कुछ नहीं किया और हम लोगों ने अपना एक सपूत खो दिया। उसमें जिहादी जिसमें 2 मुस्लिम हैं कासिम और नदीम, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और अगर इसमें कर्नाटक सरकार उनको पूरे सबको गिरफ्तार करके और फांसी की सजा उनको नहीं सुनाती तो विश्वव्यापी आंदोलन ये चलेगा और देशव्यापी ज्ञापन आज 12 बजे पूरे देश में हर जिला मुख्यालयों में ये ज्ञापन दिया गया। फरवरी 2022 को कर्नाटक के शिमोगा में एक बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा जी की, धर्मवीर हर्षा जी की हत्या निर्मम हत्या हुई है मुसलमानों के द्वारा, जिहादी मुसलमानों ने किया है कासिम और नदीम, उसके सम्मान में पूरा बजरंग दल बांदा का विश्व हिंदू परिषद परिवार उसके सम्मान में आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। उन जिहादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सदैव उसके सम्मान में इसी तरह कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में कल शिमोगा में हर्षा की हत्या के विरोध में इन लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसमें हत्यारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की राष्ट्रपति से मांग की है। इनका ज्ञापन ले लिया गया और समुचित कार्रवाई के संबंधित को भेज दिया जाएगा। इनका कार्यक्रम पूरा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मऊ में निजामुद्दीनपुरा भीटी में रहने वाले शुभ्रा बर्णवाल ने JRF नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करके जनपद का नाम रोशन किया है। शुभ्रा बर्णवाल के सफलता की सूचना मिलते ही जिले के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पेंटिंग को सराहा गया है। वहीं वैश्य समाज महिला शाखा के सदस्यों ने शुभ्रा बर्णवाल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया। एक स्टूडेंट तो मेरी कृष्णा है, दूसरी इनकी बेटी शुभ्रा बर्णवाल, तो मैं अपने को बहुत ही गर्वान्वित करती हूँ कि मतलब जब से मैं विद्यालय में ज्वाइन की हूँ उस समय से लेकर के आज तक बच्चियाँ जो है कला के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं और बहुत ऊंचाइयों पे जा करके नाम कमा रही हैं। मुझे PhD करनी है तो उसके लिए एक स्कॉलरशिप निकलती है जो हमें PhD करते समय हमें मदद करती है, मतलब पैसों से, तो वो UGC नेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, जो
एक स्कॉलरशिप निकालता है नेट JRF करके, तो JRF जो होता है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, और नेट जो होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जब कोई नेट क्वालिफाई करता है तो उसे मतलब पैसे दोनों पे मिलते हैं, लेकिन नेट पे कुछ कम पैसे मिलते हैं और JRF पे कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और वो नंबर के हिसाब से होता है कि आपने जितने नंबर हमने पाए हैं, और वो कैटेगरी वाइज भी होता है। तो मैंने इस एग्ज़ाम में JRF क्वालिफाई किया है, तो मुझे मैं जब PhD के लिए इनरोल होंगी तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे पैसे मिलेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां हेरिटेज हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा केस में महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है, तो वहीं नजदीकी मित्र ने बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर पहले ही परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर, CMO और स्वास्थ्य मंत्री से कर दी गई थी। कुछ नहीं, बाहर क्या हुआ है हमें तो पता नहीं है। लाइक हमारे पास जो पेशेंट आई वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए आई थी, ठीक है, वाइटल स्टेबल था, सब कुछ स्टेबल था हमारे यहाँ। जब वो आई थी तो लाइक कुछ भी मूवमेंट नहीं थी, लेकिन जब हमने कोशिश करी, मूवमेंट भी स्टार्ट करी, उसने बात करना भी स्टार्ट किया है, वर्बल कमांड एक्सेप्ट कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, और सुबह अचानक से उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, शी गॉट डेड। उसकी मौत हुई है, उसकी डिलीवरी थी, हल्का दर्द हुआ उसके पेट में 29 दिसंबर को, तो हल्की लीकेज थी, कोई ज़्यादा नहीं थी, तो हम BK में लाए। BK वालों ने बोला, बड़ी डॉक्टर ने, भाई सफदरजन ले जाओ इसकी नाल नीचे। हमने बोला ठीक है, हम ले जा रहे थे तो उस टाइम डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी, ये मुझे भी पता है और भी बता रहे थे। तो एम्बुलेंस वाला कहने लगा, भाई जच्चा बच्चा के लिए हेरिटेज हॉस्पिटल सबसे बेस्ट है। हमने बोला ठीक है, हम वहाँ ले गए, हमने कोई पैसे की भी लालच नहीं करी, 26,000 का पैकेज बताया, ब्लड मांगा हमने, वो भी ला के दिया उनको। डिलीवरी के बाद ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो उन्होंने बोला, बच्चा हाथ में दे दिया, कहने लगा ले जाओ उसकी जान बचा लो, डॉक्टर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हमने बोला भाई तुम ये क्या कह रहे हो, डॉक्टर मैं हूँ या आप हो, भाई कोई डॉक्टर बुलाओ, बड़ा डॉक्टर बुलाओ, कुछ भी करो। तो कहने लगा नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, आप QRG में ले जाओ, रविंदर कौर से बात हुई है, गायनी है वो, उसकी क्या बात हुई है हेरिटेज वाले की हमें नहीं पता। ओल्ड फरीदाबाद के संत नगर में रेलवे रोड के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं कंट्रोल रूम से सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान संत नगर के रहने वाले 39 साल के हरि ओम के नाम से हुई है, और जब व्यक्ति का शव मिला तो इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर बिजनौर से है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची को युवक ने बुरी नीयत से दबोचा और दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। बता दें पुलिस ने आरोपी को मोबाइल सर्विलांस के जरिए रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। कोतवाली देहात थाना अंतर्गत 19 फरवरी को एक नाबालिग बच्ची की दुपट्टे से गला घोट करके हत्या कर दी गई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा घटना का अनावरण किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जो उसका पड़ोसी भी है, रिश्ते में लड़की अभियुक्त की बुआ भी लगती है, सजाती है, इसने 4 लोगों के साथ शराब का सेवन किया था। जब घर लौटा तो शराब के नशे में लड़की को अकेली जान करके गोली भरा, लड़की ने शोर मचाया और अपनी पहचान छिपाने के लिए कि अपने माँ बाप को बता देगी, उसने गला घोट करके मार दिया। लड़की इस वजह से अकेली थी कि उसके मदर फादर किसी शादी में रिश्तेदारी में दूर गए थे और दूसरे दिन आने वाले थे। उस दिन अभियुक्त के 2 छोटे बच्चे, जो 1 4 साल का 1 6 साल का, घर में सो भी रहे थे। यद्यपि घटनास्थल निरीक्षण के दौरान बच्चों ने कुछ संकेत भी किया था कि अभियुक्त मेरे पापा जैसा ही है, तो वहाँ से कुछ लीड मिला, फिर इसको पकड़ा गया, इसने जुर्म को स्वीकार किया, अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
खबर सहारनपुर से है, जहां एक निजी अस्पताल में महिला ने सिजेरियन डिलीवरी से बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के अगले ही दिन प्रसूता की मौत हो गई। बता दें, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया है, तो डॉक्टर पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है। सहारनपुर से ये घटना सामने आ रही है। ऑपरेशन कर लिया, परसों से एडमिट थी जी रात से, कल पूरा दिन रही जी इसमें हॉस्पिटल में। कल इन्होंने 12 एक बजे के बीच में, बच्चा 7 महीने का था, वो उठा लिया था ऑपरेशन करके। ऑपरेशन करने के बाद वो बच्चा हमने एडमिट करते दूसरी जगह, गुड़िया हमारी यही थी बहू। अब इन्होंने क्या करा, सुबेरे से रात भी इनके यही थी, सुबह भी थी। अगर इन्हें कोई समस्या थी तो ये सुबेरे मार सका देते भाई अपने को, कहीं ले जाओ, कतई मृत्यु घोषित करके। जब कहा इन्होंने कि जी अब इसे कहीं ले जाओ और इसे जल्दी उठा लो, हमारे साथ मारपीट करी, हमारे साथ मारपीट करी, अब इसे चुपचाप उठा लो, पुलिस को ना खबर होनी चाहिए, अगर पुलिस को खबर होगी तो हमारा कुछ हो जाएगा। अब पुलिस को हम क्या करें, खबर इनकी 100% इनकी लापरवाही है। अब हम इंसाफ चाहे, कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए तो मिलेगा, नहीं तो मिलता तो कुछ है नहीं, हम तो दीख दिया डांग भाई, कुछ नहीं मिलता, क्या मिलना लग रहा हमने, हम तो बहुत गरीब आदमी है जी। उसका जो पति है वो फौजी है, वो रात वहां से आया जहाँ वो फौज में वो होगा, उसकी ड्यूटी होगी उड़ीसा, और वो 6 बजे सवेरे आया। उन्होंने आकर पूछा भाई क्या समस्या, कहने लगा जी नॉर्मल है, 6 बजे भी नॉर्मल थी तो ऐसा क्या वो अभी मृत्यु घोषित कर दी इन्होंने। और ये परसों से एडमिट थी जी रात से, कल पूरा दिन रही जी इसमें हॉस्पिटल में, कल इन्होंने। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।